कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भी बताया करें, अगर नहीं अच्छी लगती हैं मैं मज़ीद इनको कैसे बेहतर कर सकती हूँ आप ये भी बताया करें। तो चलें जी, आज जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम वापस आ गए हैं बर्लिन में, तो आज हमने सोचा कि चलो इकिया को एक्सप्लोर करने चलते हैं। हमें एक्चुअली कुछ चीज़ें चाहिए थी, हम बर्तन लेने गए थे, तो हमारा माइंड था कि हम डिनर सेट जो है ना वो लेने जाते हैं, तो देखते हैं जाके हमें पसंद आता है या नहीं। तो साथ साथ इकिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, इसका ये जी पूरा किचन बना हुआ है इधर, ये आपको टोटली आइडिया देते हैं कि आप कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। उसके अलावा इधर कंप्यूटर्स भी पड़े होते हैं, तो मोनिटर वगैरह पर आप खुद जो है अपने डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो हर चीज़ के नंबर होते हैं तो नाम वगैरह लिखे होते हैं, तो उनको आइडिया आपको हो जाता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है। तो ये डिफरेंट मतलब जो घर के एरियाज़ होते हैं, जैसे लिविंग रूम, बच्चों का रूम, या ऑफिस के फर्नीचर, ऑफिस की क्रॉकरी, ऑफिस की चीज़ें, तो स्टेशनरी वगैरह हर चीज़ इधर से मिल जाती है। तो आपको सबको आइडिया होगा, बहुत से लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इकिया जा रही हूँ, तो इकिया को एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी अपने साथ लेके चलूँ, आपको भी दिखाऊँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये देखें कितने खूबसूरत रूम्स बने हुए हैं, और ये बेडरूम की थीम दी हुई है इस जगह पे, और ये इतना बड़ा है ना, बर्लिन का इकिया इस तरह है कि इधर एक साइड से एंटर हो जाओ तो आप जब तक उसको सारे को एक्सप्लोर नहीं कर लेते आप तब तक बाहर नहीं आते। तो इस वजह से हमने क्रॉकरी तक जाते जाते, ये देखें, आधे से ज़्यादा हमने इकिया देख लिया। फिर हमें अंदर जाके ना एक मैप नज़र आया, तो फिर हमने उसका आइडिया लगाते हुए, मतलब जहाँ हमारा टारगेट ख़त्म हो गया था तो उधर से हमें मैप फिर नज़र आया, तो हमने उधर से अपना रास्ता चुनते हुए ना अपना दिमाग लड़ा के तो एग्ज़िट की तरफ निकले। तो लेकिन फिर भी हमें काफ़ी चलना पड़ा और फिर हम पहुँच गए। तो ये देखें, ये कुछ डाइनिंग रूम का उन्होंने थीम दिया हुआ है कि डाइनिंग रूम को कैसे कर सकते हैं, और ये देखें क्लोज़ेट का है कि आप अपने वार्डरोब को कैसे सेट कर सकते हैं। वॉक इन क्लोज़ेट भी थी और क्लोज्ड भी थी। ये देखें, ये जैसे मैं आपको पहले बता रही थी ना कि ये लोग बैठे हुए हैं और अपना अपना वो सारा कर रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बनाना है कैसे कैसे, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इधर जो है चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ सारा इस तरह से है। चलें फिर मिल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको अगर लगता है कि मैं मज़ीद वीडियो को बेहतर कर सकती हूँ वॉइस ओवर में, लाइटिंग में, वीडियोग्राफी में, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। मुझे अच्छा लगता है जब आपका फ़ीडबैक आता है और आप कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं चीज़ों को, या बताते हैं मुझे कि ये चीज़ इससे भी बेहतर हो सकती है या ऐसे हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको डिफरेंट और मज़े का कंटेंट मिलता रहेगा मेरे थ्रू। तो चलें जी, मिलते हैं एंड पे, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करें और देखें। और अगर किसी ने अपना रूम सेट करना है, अपना घर सेट करना है, तो वो इधर से आइडिया भी ले सकता है कि आप अपना कैसे जो है अपना बच्चों का कमरा कैसे सेट कर सकते हैं, अपना किचन को रेनोवेट कैसे कर सकते हैं, अपनी किसकी भी घर का अपना जो एरिया है आपने, जैसे अब ये वॉशरूम की चीज़ें हैं इधर आगे छोटे बच्चों की आ जाएंगी, तो ये देखें जैसे बच्चों के बेड्स वगैरह हैं, तो आपने के घर में बेबी आया नया, तो फर्स्ट टाइम पेरेंट बने हैं, तो भी आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। ये देखें बच्चों की चेयर्स भी इधर बनी हुई हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए किस तरह की जो चीज़ें हैं वो मतलब बना सकते हैं, उनका रूम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के आपको आइडियाज़ मिलेंगे इस वीडियो से, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़े की वीडियो है, और एंड पे आके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। Telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the
What do you do when Captain turn your lover to a up? Hey, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Jug Light. I got a plan, you take your bag like that. Then we gon' hit that gas, make a U-turn 100 miles in the 90. Gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting on C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, it's all cry in the end when she leave and you take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? चलें जी, बर्तन तो हमें कुछ ख़ास इधर से हमारी मतलब उसके मुताबिक नहीं हमें मिले। हम चाह रहे थे कि हम डिनर सेट ले लें या हमें जो है रीज़नेबल प्राइस में 12 प्लेट्स का मिल जाए, तो लेकिन हमें ना हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिला। और फिर हमें एक और जगह का आइडिया मिल गया। तो अगर आप चाहते हैं कि हमने वो डिनर सेट सस्ते में कहाँ से लिया, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ठीक है, बर्लिन वाले ख़ास तौर पर। तो फिर अब हम इधर आए इनके कैफ़े में, तो लास्ट में इनका कैफ़े था, ऊपर भी था और ये इधर भी है। तो लेकिन वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट थोड़ी बारह आने। तो हमने कॉफ़ी पी और मफिन खा के घर आ गए। और कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी सही थी, बहुत मज़े की नहीं थी, नॉर्मल थी। लेकिन मफिन बिल्कुल काम का नहीं था, शायद सुबह से वो पड़े हुए थे। और लेकिन हमें कुछ अच्छे नहीं लगे। तो चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा।